हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज। टुडे इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द समरी ऑफ द लेसन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस इज क्लास 10th द बुक एनसीईआरटी क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कहानी है, एक लेसन है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये कहानी साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े नेता जिन्हें वहाँ का गांधी कहा जाता है, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, कि उनकी लड़ाई भी लगभग वैसी ही थी जैसी महात्मा गांधी ने लड़ी। आइए कहानी पर आते हैं। बहुत छोटे समय में मैं चाहता हूँ इस कहानी को क्लियर कर दूँ आपको। नेल्सन मंडेला ने लगभग 30 साल कैद सही, 30 साल तक वो जेल में रहे। उन्होंने फाइट की, अंतर इतना था, महात्मा गांधी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, नेल्सन मंडेला की लड़ाई थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये थी रेसिसिज्म के लिए, वहाँ गोरे काले की लड़ाई थी और जो अश्वेत थे, जो कलर्ड पीपल थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला को वहाँ 30 साल की जेल के बाद जब आए तो वहाँ इलेक्शन हुआ और वो वहाँ के राष्ट्रपति बने और 10 मई 1994 को उनकी शपथ हुई। बाद में उन्होंने इस लेसन के थ्रू हमें बताया है, अपने ऑटोबायोग्राफी में इन सब चीज़ों का जिक्र किया है कि उस सेरेमनी में, उस सोरिंग सेरेमनी में किस तरह से उन्होंने चीज़ों को फेस किया और क्या कहा। और पूरा इस कहानी का, इस पूरे ऑटोबायोग्राफी का जो एक समरी है वो मैंने यहाँ कोशिश की समझाने की। आइए शुरू करते हैं। सो 10 मई 1994 को सोरिंग सेरेमनी में, जिसको नेल्सन मंडेला ने इस लेसन में कहा है द इनॉगरेशन, इस एक तरह का ये बहुत बड़ा उद्घाटन था। ये उद्घाटन सिर्फ एक मामूली सा शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, ये शुरुआत थी साउथ अफ्रीका में एक नई दुनिया की, नए युग की। क्योंकि पहले कभी सोचा भी नहीं गया था कि साउथ अफ्रीका में कोई अश्वेत एक इतने बड़े पद पर देश का नंबर वन इलेक्टेड पर्सन बनेगा और इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिलेगा। उनके साथ उनके जो फर्स्ट सपोर्टर थे मिस्टर थेबू मवेकी, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली, और मिस्टर डी क्लर्क ये सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे शपथ ली। इसके बारे में नेल्सन मंडेला ने लिखा है इनॉग्रेशन में, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका की पहली चयनित सरकार थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार थी, जिसमें इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि चुना जाने वाला गोरा है या काला, उसका रंग श्वेत है या अश्वेत, इसलिए पहली गवर्नमेंट थी। फिर आगे हम देखेंगे उस शपथ ग्रहण समारोह में उनकी बेटी, इनका नाम जिनानी है, वो साथ थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने ओबे लिया सर एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने शपथ ली कि हम यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसकी रक्षा करेंगे, जैसे दुनिया में सभी लोग करते हैं। उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा, इसका जिक्र उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में किया है, इस लेसन में हमने देखेंगे। फिर कहा है टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पुअर्टी सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने शपथ ली इस बात की कि वो आज़ाद, लिबरेट माने आज़ाद कराएंगे अपने लोगों को काहे से, गरीबी से, पुअर्टी सफरिंग पीड़ा से, और उससे भी खतरनाक जिसकी लड़ाई 30 साल लड़ी उन्होंने जेल में रहकर, वो था डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, गोरे काले का अंतर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उनके साथ जो लोग हैं वहाँ गोरे भी थे और काले भी लोग थे, तो वहाँ दो नेशनल एंथम गाए गए। जो वाइट्स थे वो गा रहे थे एन कोजी सिकली आई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे वो डाई स्टेम, ये दो राष्ट्रगान बजाए गए एक साथ। गोरों ने अपना गाया, कालों ने अपना गाया, और नेल्सन मंडेला ने दोनों को मान्यता दी, दोनों का सम्मान दिया कि दोनों की अपनी अपनी फीलिंग्स हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे उन्होंने रिमेंबर किया अपना रेशियल डोमिनेशन, कि किस तरह उन्होंने देखा, किस तरह गोरों का कालों के प्रति जो बर्ताव था, जो मानवीय नहीं था, वो समय उन्होंने याद किया अपनी स्पीच में, इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा उन्होंने। फिर उन हजारों लोगों को उन्होंने याद किया जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने बलिदान किया, उन्हें भी अपने ऑटोबायोग्राफी में वो भूले नहीं, उनको याद किया, ठीक है। और ट्रिब्यूट दिया 3 बहुत बड़े ऐसे लोग जो शहीद हुए, ओलिवर टैम्बू,
वॉल्टर सिसुलु एंड यूसुफ दैजू। ऐसे और भी लोग होंगे, इनके बारे में भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया है। फिर आगे हम देखेंगे, उन्होंने हमें बताया है कि साउथ अफ्रीका की रिचेज के बारे में बात की कि साउथ अफ्रीका कोई गरीब देश नहीं है। आपको पता होना चाहिए शायद कि सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी खाने हीरों की वो साउथ अफ्रीका में हैं और वहाँ के मिनरल्स दुनिया भर में मशहूर हैं। तो साउथ अफ्रीका रिच है, जैसे कि भारत समृद्ध भूमि रही है ऐसे साउथ अफ्रीका भी, तो इसलिए हमारा काफ़ी बहुत अच्छा मैचिंग भी है, हमारे विचार बहुत मिलते हैं, साउथ अफ्रीका के भारत के संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं। फिर उन्होंने बताया लव एंड हेट्रेड, कि लोगों के अंदर प्यार और घृणा किस कदर है, इस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हेट जो है ये हमारा नेचुरल टैलेंट नहीं है या हमारी नेचुरल क्वालिटी नहीं है, मानव की नेचुरल क्वालिटी प्यार करना है और एक दूसरे को प्यार करके ही हम दुनिया को जीत सकते हैं या संसार में अपने देश का संदेश बढ़ा सकते हैं। तो ये बात भी उन्होंने कही, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा जो हेटर्स हैं उन्हें भी कुछ पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें प्यार करना सिखाया जाना चाहिए। जो हेट कर रहे हैं कालों से, गरीबों से या छोटों से, निम्न लोगों से, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, नेल्सन मंडेला ने उन्हें संदेश दिया कि इन्हें भी सिखाना चाहिए कि ये भी दूसरों से प्यार करें और हमें इन हेटर से भी नफरत नहीं करना चाहिए, कि हमारा काम प्यार करना है। हम प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, जी ठीक है। आगे हम देखेंगे एवरी इंडिविजुअल हैज़ 10 ऑब्लिगेशंस। उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्तिगत लक्ष्य के बाद दो उसके इम्पॉर्टेंट कर्तव्य भी होते हैं, हर आदमी के दो इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं जो उसे करना ही चाहिए। पहला, अपनी फैमिली फ्रेंड्स अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए, लेकिन उसके तुरंत बाद कम्युनिटी के बारे में, अपने जैसे लोगों के बारे में, अपने समुदाय के बारे में, और उससे बढ़कर अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। तो जब पहले हमारे परिवार के समाज के हित पूरे हो जाएं तो हमें संसार का अपने देश का हित भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड फ्रीडम उनकी एक इल्यूजन थी, जब वो छोटे थे उन्हें लगता था वो आज़ाद हैं, उन्हें कोई गुलामी नहीं क्योंकि माँ बाप ने उनको कैद कर रखा था या माँ बाप की शरण में थे तो उन्हें बाहर की दुनिया का पता नहीं था। तो उन्होंने कहा यह भ्रम था। जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि असलियत कुछ और ही है। लास्ट में है द ऑपरेशर्स एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि जो कमज़ोरों पर आतंक फैलाने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं, और जिन पर जुल्म होता है उनके अनुसार ये दोनों को प्यार मिलना चाहिए, इन दोनों को ही सपोर्ट मिलना चाहिए कि जो दूसरों को बुरा कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान चाहता है, इसे ज्ञान मिलना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस लेसन को आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।